नमस्कार साथियों, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम प्लेटों का अर्थ पढ़ेंगे, उनके प्रकार, प्लेटों की गति के प्रकार, सिद्धांत के दोष और गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है प्लेट। प्लेट भूपटल का वह भाग होता है जो भूगर्भिक घटनाओं के कारण गति करता है, यानी कि एक ठोस पिंड होता है जो कि भूगर्भिक घटनाओं के कारण गति करता है। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था, यानी टूजो विल्सन वे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जबकि प्लेट विवर्तनिकी में दो शब्द हैं, प्लेट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक शब्द का जो प्रयोग है वो मार्गन और पी पाईचून ने किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन है, जिसमें प्लेटों के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। विवर्तनिकी यानी जो भूआकृति विज्ञान है, जो कि भूगोल की एक शाखा है, उसमें जितने भी सिद्धांत हैं उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1962 में हैरी हैस ने किया था। फ्रेंड्स, अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत के संबंध में योगदान दिया, लेकिन हैरी हैस ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया था और यह 1960 के दशक में ही फला फूला। हैरी हैस के अतिरिक्त विल्सन, मार्गन, मैकेंजी, पार्कर आदि विद्वानों ने भी इस सिद्धांत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है उसमें मुख्यतः 27 प्लेटें हैं वो बताई गई है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके संदर्भ में इसे लाइक कर दीजिए। और यदि आपको ऐसे ही ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जो है आप बता भी सकते हैं कि कौन सा वीडियो या फिर कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, और इस टॉपिक के संबंध में भी लिखें। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि अब तक कुल 27 प्लेटों की खोज हो चुकी है, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब तक कुल 27 प्लेटें हैं उनकी खोज हो चुकी है, जिनमें से 7 बड़ी है। तो फ्रेंड्स, कहना तो ये है कि ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं ये 6 ही मानी गई थी, लेकिन कुछ विद्वान उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, जो कि पहले एक ही अमेरिकन प्लेट मानी जाती थी, उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया है। इस वजह से ये 7 प्लेटें हो गई हैं, जिनमें इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट जो कि सबसे बड़ी प्लेट है, और अंटार्कटिक प्लेट, इनके बारे में आप है वो देख सकते हैं कि ये 7 प्लेटें हैं। तो फ्रेंड्स, इनके मैप में स्थिति देखिए आप, जैसे कि आपको मैप दिख रहा है तो ये 7 प्लेटें हैं जिनकी सीमाएं भी आपको इसके अंदर दिख रही होगी। तो ये 7 प्लेटें हैं जो बड़ी और मुख्य प्लेटें हैं। इन 7ों प्लेटों के अतिरिक्त जो प्लेटें हैं वह छोटी प्लेटों के अंतर्गत शामिल है, जैसे यह इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, यह दूसरी यूरेशियन प्लेट है, यह अफ्रीकी प्लेट है, यह उत्तरी अमेरिकन और इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, यह जो प्लेट है इसका नाम प्रशांत प्लेट है जो कि सबसे बड़ी है, और लास्ट में सबसे दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, जो प्लेटें हैं वो छोटी है, जिनकी संख्या 7 है, सॉरी, जिनकी संख्या जो है वह 20 है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ मुख्य प्लेटें ही पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त 20 छोटी प्लेटें हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी में 6 प्लेटें हैं वो मुख्य बताई गई है,
जिसमें पहली है कोकोस। यह मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। यानी जो कोकोस प्लेट है वह मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, और यह प्लेट उत्तरी अमेरिकन प्लेट को दक्षिणी अमेरिकन प्लेट से अलग करने का काम भी करती है। दूसरी प्लेट है नजका। नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। अरेबियन प्लेट जो है, इसका अधिकतर जो अरब प्रायद्वीप का भूभाग है, तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चलता है अरेबियन, तो अरेबियन प्लेट में जो है वह अरब प्रायद्वीप का भूभाग शामिल है। फिर है फिलीपींस प्लेट। तो फिलीपींस जो प्लेट है वह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरोलिन प्लेट। यह प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन एवं इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लेटें हैं इनकी स्थिति मैं आगे मैप में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए मैप में ये जो प्लेटें हैं, यहां पर कोकोस है, यह नजका है, यह अरेबियन प्लेट है, यह फिलिपिन प्लेट है, तो और ये कैरोलिन प्लेट है। तो ये इन प्लेटों की स्थिति है जो कि इसके आधार पर जो है वो बताई गई है। इसके अलावा ये जॉन ड्यू का प्लेट है, और भी कई प्लेट हैं जैसा कि ये है आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी स्थिति है वो बताई गई है। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त जो अपन पढ़ रहे हैं, एक प्लेट ये फ्यूजी प्लेट है जिसके बारे में अब चर्चा कर रहा हूं मैप में, यह ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये थी 20 प्लेटों में से 6 मुख्य छोटी प्लेटें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी प्लेटें गति करती है। जैसा कि आप गति का कारण जानना चाहेंगे तो गति दो माध्यमों से करती है, जो एक तो है रेडियो तत्वों का क्षय। जैसे रेडियो तत्वों का क्षय होता है वैसे ही प्लेटें गति करती है। दूसरा है अवशिष्ट ताप। इन दोनों तापों की वजह से जो प्लेटें हैं वो गति करती है। यह गति तीन प्रकार से करती है। पहली है अपसारी गति, दूसरी है अभिसारी गति, और तीसरा है सरंक्षी गति। तो ये तीनों गति हैं, तीनों प्रकार की गति हैं वो प्लेटें करती है, जिसमें अपसारी गति है, अभिसारी गति है और सरंक्षी गति है, वह मुख्य रूप से शामिल है। फ्रेंड्स ये गति कैसे करती है हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है अभिसारी परिसीमा। तो अभिसारी गति में प्लेटें आमने सामने गति करती है। यानी ये देखिए, ये इस प्लेट की ओर आ रही है और ये इस प्लेट की ओर, यानी दोनों इस प्रकार गति करती है जिससे अधिक घनत्व वाली प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। तीन प्रकार से जाती है ये। एक तो जब दो महासागरीय प्लेट आपस में इस प्रकार से गति करती है, तो जो भारी महासागरीय प्लेट है वह हल्की प्लेटों के नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से द्वीपीय चाप आदि की उत्पत्ति होती है। यदि दो महाद्वीपीय प्लेटें ऐसे करती है तो पर्वतीय भागों की उत्पत्ति होती है, जैसे हिमालय वगैरह। और एक महाद्वीप और एक महासागरीय प्लेटें यदि इस प्रकार से गति करती है तो तटीय भागों पर पर्वतीय भाग या उत्थानों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा में प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके कारण बीच में गैप का निर्माण हो जाता है, जिससे नए भूभाग का निर्माण होता है। और तीसरी प्रकार की गति है वह है रूपांतरित सीमा। इसमें प्लेटें अपने अगल बगल में खिसक जाती है, जिसकी वजह से ना तो किसी नए भूपटल का निर्माण होता है और ना ही किसी प्रकार का पर्वतीय भाग का निर्माण होता है। तो ये थी प्लेटों की तीन प्रकार की गति। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की आलोचना। फ्रेंड्स जैसे कोई भी सिद्धांत हो उसकी आलोचना जरूर होती है, तो वैसे ही प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की भी आलोचना हुई। सबसे पहले है कि प्लेटों की दिशा और गतिशीलता को प्रमाणित करना कठिन है। यानी विद्वानों ने इसकी गतिशीलता के बारे में बता तो दिया, लेकिन इसको प्रमाणित करना कठिन है। कभी कभी
एक ही प्लेट दो दिशाओं में गति करती है, जबकि विद्वान मानते हैं सभी प्लेटें एक ही दिशा में गति करती है। प्लेटें विवर्तनिकी सिद्धांत प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या में असमर्थ है, यानी वर्तमान पर्वतों की तो व्याख्या कर देती है लेकिन प्राचीन पर्वतों की व्याख्या में असमर्थ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यह स्पष्ट करने में असमर्थ है कि महासागरों में, जो सभी महासागरों में इस प्रकार का प्रसार होता है, वह प्रत्यावर्तन क्षेत्र सिर्फ प्रशांत महासागर तक ही क्यों सीमित है। फ्रेंड्स, इन कमियों के होते हुए भी यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। इसका महत्व यह है कि यह सिद्धांत विभिन्न भूआकृति क्रियाओं की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करने में सक्षम है, जिसके कारण इसका महत्व बना रहता है। साथ ही इससे भूकंप और ज्वालामुखी संबंधी वितरण प्रारूप भी स्पष्ट होता है, इसके कारण भी यह महत्वपूर्ण है। नवीन वलित पर्वतों की निर्माण की व्याख्या इस प्रकार के सिद्धांत से स्पष्ट होती है। इस सिद्धांत ने भू आकृति तथा भू आकृतिक विचारधारा को नया मोड़ प्रदान किया है और इस सिद्धांत की सहायता से भूपटल की संरचना, उसके प्रक्रमों को व्यापक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। यदि आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, जिसमें सारे नोट्स यानी सात प्लेटों की बड़ी व्याख्या, प्लेटों की सीमाओं की गति की महत्वपूर्ण व्याख्या, यानी बड़े स्तर पर यदि आप समझना चाहते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स, ज्योग्राफी संबंधी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और यदि आपको ज्योग्राफी से संबंधित और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।